भिवंडी से एटीएम मशीन चुराने वाले मुमरा के बाप बेटे साथियों समेत हुए गिरफ्तार। गैस सिलेंडर के स्टिकर से भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने किया अपराध का पर्दाफाश। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत भिवंडी जोन 2 और भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन गायकवाड़ उनकी टीम ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसमें इनके पास केस को हल करने के लिए क्लू तक नहीं था। क्लू के नाम पर उन्हें सिर्फ एक स्टिकर मिला था। क्या है पूरी कहानी? गत 10 दिसंबर 2022 को भिवंडी के पूर्णा में HDFC बैंक का ATM सेंटर है। इस ATM सेंटर से गैस कटर की सहायता से मशीन को काट कर चोर इस मशीन को ही ले उड़े थे। इस मशीन में लगभग 25 लाख रुपए की रकम थी जिस पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि किस तरीके से इस केस को जो है उजागर कर इसके अपराधियों को पकड़ा जाए। भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन गायकवाड़ के मार्गदर्शन में इसकी जांच करते हुए सबसे पहले राजस्थान के कैथवाड़ा से शराफत अजमत खान उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने में मदद मिली गैस सिलेंडर और कटर के स्टीकर से। स्टीकर पड़ा हुआ था ATM सेंटर के पास, जिसके आधार पर भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम पहुंची मुमरा। मुमरा में एक NGO द्वारा ये गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे। NGO को वर्गलाकर और NGO को गलत जानकारी देकर उनसे गैस सिलेंडर लिया गया था। उसके बाद ये शराफत अजमत खान राजस्थान भरतपुर कैथवाड़ा का रहने वाला ये भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के हत्थे चढ़ा। उसके बाद इस शराफत अजमत खान से मिली जानकारी के आधार पर मुमरा स्टेशन और मुमरा बाजार से सटे शाहूनगर परिसर से 52 वर्षीय इलियास यूनुस खान, इसको गिरफ्तार किया गया। ये पिता है, इसके 2 बेटे भी इस अपराध में शामिल थे, शोएब इलियास खान और गुलाम इलियास खान। वहीं इनका चौथा साथीदार कौसा किस्मत कॉलोनी स्थित परकार कॉम्प्लेक्स का रहने वाला है तौफीक रफीक अंसारी, उम्र 24 वर्ष। ऐसे ये 5 अपराधी भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने ATM चोरी के इस मामले में गिरफ्तार किए हैं। वहीं इनके 2 और अन्य साथी हैं, ये हरियाणा के हैं जिनकी तलाश अभी भी पुलिस को है। वहीं हरियाणा पुलिस द्वारा उचित सहयोग न करने के कारण ये अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। मुमरा शाहूनगर में रहने वाले इलियास खान, उनका बेटा गुलाम और शोएब, और किस्मत कॉलोनी का तौफीक रफीक अंसारी, ऐसे ये 4 अपराधी ATM चोरी के इस मामले में शामिल थे। ATM से वहां से चोरी करने के बजाय सीधा गैस सिलेंडर से कटर के सहायता से ATM मशीन काट कर पैसों समेत उसको उड़ा ले जाना, ऐसी इनकी मोडस ऑपरेंडी थी अपराध करने की। अब देश के अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जो ATM मशीनों की चोरी हुई है, क्या ये इसी गिरोह ने की है, इसकी भी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अरे चप्पल रहे बस बस बारह रास्ते पर